तो हाय गाइस, मेरा नाम है रीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पासपोर्ट स्टोरीज। बारी स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी रैंक 2 नंबर से अप आई है हैंडलिंग पासपोर्ट इंडेक्स में, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी न्यूज है। तो आपको बनना वीडियो में एंड तक, नेक्स्ट टाइम को इसकी हम टेक ऑफ करते हैं। सो गाइस, आप सभी को मकर संक्रांति के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है आपका दिन अच्छा जाए और आप स्वस्थ रहें। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पासपोर्ट की जो रैंक है वो 87 से 85 आ गई है। ये वीडियो मैंने पिछले साल भी जनवरी में बनाया था, जब हैनली पासपोर्ट इंडेक्स का डेटा निकल के आया था, जिसमें इंडिया ने 87th रैंक को हासिल किया था। लेकिन गाइस इस साल हमारी रैंक 2 पॉइंट और प्लस आ गई है, मतलब हम 85th रैंक पे आ गए हैं। सो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने जो है यहाँ थोड़ी सी बेटर चीज करी है। लेकिन दोस्तों हैनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, पहले हम उसे समझते हैं। तो दोस्तों हैनली पासपोर्ट इंडेक्स एक एजेंसी है जो IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से डेटा लेके कंपेयर करके वर्ल्ड के पासपोर्ट्स को रैंक देती हैं, और ये जो रैंक्स होती हैं ग्लोबली एक्सेप्टेबल होती हैं और ग्लोबली करेक्ट होती है, ऑथेंटिकेट होती हैं। इससे ये पता लगता है कि कितना पासपोर्ट स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर कंट्री का और कितनी वीजा फ्री कंट्रीज वहां के पासपोर्ट होल्डर्स विजिट कर सकते हैं। तो सोल पर्पस हैनली पासपोर्ट इंडेक्स का ये है कि वो रैंकिंग्स पता है। सो दोस्तों अगर हम बात करें, जो टॉप किया है इस बार, पिछले 4-5 साल से लगातार जापान टॉप कर रहा है नंबर वन पे, और उसके बाद सिंगापुर और साउथ कोरिया का नाम आता है। इंडिया का नाम इस बार 85th नंबर पे आया है, जिसके साथ हम 59 कंट्रीज में विदाउट प्रायर वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। विदाउट रिजर्व नहीं कहूंगा, विदाउट प्रायर वीजा, मतलब हमें वहां जाके वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री कंट्री हमें देखने को मिलेगी, जिसका नंबर है 59 कंट्रीज। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आइलैंड कंट्री हैं, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि वेबसाइट है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की। वहां आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज एज ए इंडियन पासपोर्ट पे आप वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने 2 पॉइंट से यहाँ क्लाइम किया है। अगर हम नंबर वन और नंबर टू की बात करें, जापान ने टॉप किया है, तो जापान को मिलता है 193 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस अगर आपके पास जापानीज पासपोर्ट है। साथ ही साथ अगर हम सिंगापुर और साउथ कोरिया की बात करें, जो 2 नंबर पे आए हैं, उनको 192 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। और सबसे पुअर और सबसे खराब परफॉर्मेंस रही हो रही है अफगानिस्तान की, उसका रीजन आप जानते हैं, वहां जो वॉर चल रहा था उस चक्कर में 108 पोजीशन मिली है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में। जो अपना अफगानिस्तान का पासपोर्ट होता है, ओनली 27 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस हमें देखने को मिलता है। तो गाइस ये परफॉर्मेंस वाइज बात रही है। इंडिया हालांकि अपनी पोजीशन पे बरकरार है, 2 पॉइंट उन्होंने ऊपर आए हैं, तो 85 जो है इंडिया की पोजीशन है विद 59 वीजा फ्री कंट्रीज। गाइस हम अगर इंडिया की प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करें, तो 2021 का अगर डेटा उठाएं, तो हमारी रैंक 90th थी, उसके बाद हमारे 87th और उसके बाद हमारे 85th रैंक पे। तो कंटिन्यूसली हम ग्रोथ कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पिछले 2006 से, मतलब काफी सालों का जो है ग्राफ यहाँ देखने को मिल रहा है, लगभग 17-18 साल का ग्राफ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि इंडिया ने कितनी ग्रोथ की है। हालांकि इंडिया जो है 2006 में 71st पोजीशन पे था, उसके बाद 73rd, उसके बाद काफी हमें 82 तक यहाँ देखने को मिल रहा है ग्राफ में, 85 तक, 88 तक देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस अभी करंटली हम 85 पे हैं। लास्ट 3 ईयर से बात करें तो कंसेक्यूटिवली हम दो या तीन नंबर ऊपर आ रहे हैं। सो गाइस आप अगर हम बात करें कि ये तो हो गई नंबर्स की बात, लेकिन इसका आकलन कैसे किया जाता है। तो गाइस जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स है, जिसके मैंने बताया आपको IATA से डेटा लेती है, टोटल 199 कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेंट रहती है, उनको कंपेयर किया जाता है 227 डेस्टिनेशन से। तो जो कंट्री कंपेरेबल में, कंपेरिजन में सबसे ऊपर आती है, वो नंबर वन पे रह जाती है उसे। और अभी करंटली जैसे कि जापान है, जिसको 193 कंट्री का फ्री एक्सेस देखने को मिल रहा है। तो कैलकुलेशन ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग वहां रहते हैं उस कंट्री में, क्या इकोनॉमी है, क्या इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजों का, सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करके, और फिर जो है ये आकलन, ये एस्टिमेट बनाया जाता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर ऊपर आएगा। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कोई ज्यादा तो नहीं बताया, मैंने जो भी बताया इंपॉर्टेंट बताया, आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प मिली होगी। सो गाइस अगर आप कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है। आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन को खुद पढ़ना है, तो लिंक मैंने नीचे दे दिया, पढ़ लीजिएगा। लेकिन वीडियो में अच्छी बात यह है कि हमने 2 नंबर से टॉप किया है, हम 2 नंबर ऊपर आए हैं। 85th जो है इंडियन पासपोर्ट की करंट जो है पोजिशन है। सो ऐसे था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मिलता है मोटिवेशन, और आपको आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।